ये भीड़ जो अभी अभी आपने देखी है, फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ है रूस के शहर महाचकला में स्थित एक एयरपोर्ट पर, और इसी वजह से रूस के दागिस्तान प्रांत की राजधानी महाचकला के इस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। लेकिन ये फिलिस्तीन समर्थक भीड़ इस एयरपोर्ट पर आखिर जमा क्यों है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। 29 अक्टूबर रविवार की ये बात है, अचानक से फिलिस्तीन समर्थकों का एक समूह महाचकला स्थित एक हवाई अड्डे के रनवे पर आ गया। इन प्रदर्शनकारियों ने रनवे को बंद कर दिया। रूस के नागरिक उड्डयन उद्योग की देखरेख करने वाली एजेंसी रोसा व्यतस्या के मुताबिक महाचकला जाने वाली सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में ये लोग इसराइल का विरोध कर रहे थे। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी गाजा में इसराइली कार्रवाई के विरोध में इस हवाई अड्डे पर जमा हुए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं, फिर अंदर के कमरों में धावा बोल देते हैं। वीडियो वायरल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट परिसर में तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग इसराइली नागरिकों को खोज रहे थे। वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी जबरदस्ती दरवाजा खोल रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। एक महिला रूसी भाषा में कह रही है, यहाँ कोई इसराइली नहीं है। कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी पर भी हमला किया। घटना के बाद इसराइल ने रूसी अधिकारियों से इसराइली नागरिकों और यहूदियों की सुरक्षा का आग्रह किया है। जेरूसलम में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि इसराइली राजदूत मॉस्को में रूस के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसराइली नागरिकों और यहूदियों पर हमले को इसराइल गंभीरता से लेता है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, इसराइल को उम्मीद है कि रूसी अधिकारी सभी इसराइली नागरिकों और यहूदियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो कोई भी, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच यहूदी विरोधी भावनाओं की निगरानी करने वाले अमेरिकी विशेष दूत डेबोरा लिपस्टैड ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से यहूदियों को निशाना बनाया जाना जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सम्राव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले ना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात करती है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।